रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज रात की तारीकी में जागते हुए करवाया गया और जागते हुए ही आपको वापस ले जाया गया। आपको मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचाया गया। फिर मस्जिद अक्सा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जो इमाम थे, नबी थे, अल्लाह के सारे नबियों को वहाँ पर जमा किया। अल्लाह के रसूल ने वहाँ पर इमामत करवाई। फिर वहाँ से आसमानों पर गए, जन्नत देखी, जहन्नम देखी, वापस आ गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो लोग अभी सो ही रहे थे, अल्लाह के रसूल वापस आ गए। ये रसूलुल्लाह का मेराज था कि आप बैतुल्लाह में थे कि जिब्रील आ गए, और आकर जिब्रील ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको मुलाकात आसमानों पर बुला रहे हैं सैर के लिए। रसूलुल्लाह के सामने एक सवारी लाई गई जिसे बुराक कहते हैं। बुराक अरबी ज़ुबान में बिजली को कहा जाता है। बुराक बर्क से है जिसका माना है बिजली। वो बिजली की तरह की सवारी के हद निगाह तक उसका कदम जाता था, वो इतनी तेज़ थी। पर वो सवारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलीयुम मिन अद-दुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहादा وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدنا علما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم
हर किस्म की हम्द सना, तारीफ़ात, तस्बीहात और तहलीलात अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम की ज़ात पाक के लिए है, और दुरूद पाक इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा इमामुल हरमैन इमामुल किबलतैन जद्दुल हसनैन इमाम आज़म इमाम दीन रहमतुल लिल आलमीन इमाम कुल खत्मुर रसूल रसूल मुकर्रम नबी मुअज़्ज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। सामईन मोहतरम, गुज़श्ता खुतबात में जादू और जिन्नात के हवाले से आप अहबाब के सामने अल्लाह की दी हुई तौफीक से गुफ्तगू जारी थी, और आज भी उसी मज़मून को आगे बढ़ाना था, लेकिन दौरान सफ़र दीवारों पर मुख्तलिफ इश्तिहारात पर नज़र पड़ी, मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, एक मस्जिद का इश्तिहार देखा, फिर दूसरी का देखा, और बाकायदा प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाता है। हमारे इलाकों में मस्जिदों को सजाया जाता है, और रात को इबादत की गरज से जागा जाता है, और फिर अगले दिन रोज़ा रखा जाता है। तो मैंने रास्ते में आते हुए अपने मज़मून को एमरजेंसी में तब्दील किया कि आज 27 रजब है, जो कि मशहूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रात को मेराज करवाई गई थी। तो मैंने मुनासिब समझा कि आप अहबाब के सामने इस मज़मून को बयान करना ज़रूरी है, जादू और जिन्नात को इंशाअल्लाह अगले खुतबा जुमा में जो मेरा होगा अगले महीने में उसमें बयान कर लेंगे। तो मेराज के हवाले से चंद गुजारिशात आप अहबाब के सामने करना चाहता हूँ, तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहेगी। मैं अल्लाह के हुज़ूर दुआ करूँगा कि अल्लाह मुझे बिल्कुल हक और सच बात कहने की तौफीक दे, और फिर उसके बाद हम सब को बग़ैर किसी कीलोकाल और बग़ैर किसी तासुब के मान कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के वक़्त अरब में बल्कि दुनिया में और मज़ाहिब मौजूद थे, यानी आप दुनिया में ना लें बल्कि उस खित्ते को ले लें जिस खित्ते पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई। उस वक़्त उस इलाके में यहूदी भी थे और ईसाई भी मौजूद थे। आपकी बेसत से कबल ये पहली बातें आप सुनेंगे ना तो तवज्जो से, तो अगली बात आपको समझ आ जाएगी। आपकी बेसत के वक़्त अरब में यहूदी भी थे और ईसाई भी मौजूद थे, यानी दोनों मज़हब थे उस वक़्त, और उनकी आपस की जो चपकलश थी वो क्या थी, वो अल्लाह का कुरान बयान फरमाता है
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے, عیسائی یہودیوں کو کہتے ہیں کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, حالانکہ وہ دونوں اہل کتاب ہیں, کتاب کی تلاوت کرنے والے تھے. یعنی آپ کی بعثت کے وقت یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے, اور دونوں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, یعنی وہ کسی چیز پر نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا, آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا, تو دنیا کے یہودیوں اور عیسائیوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا. اب انہیں پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشانیوں کے ساتھ دنیا میں آ چکے ہیں. جو نشانیاں تورات میں وہ پڑھتے تھے, جو نشانیاں عیسائی انجیل میں پڑھتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ اپنی ان نشانیوں کے ساتھ دنیا میں ان کا ظہور ہو چکا ہے, آپ آگے ہیں. اب انہوں نے کیا پروگرام بنایا کہ یہودی اور عیسائی اکٹھے ہو کر ایک میٹنگ کرتے ہیں, اور اس میٹنگ میں جو ان کا موضوع تھا وہ محمد الرسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم ایک دوسرے سے لڑائی کر کے, جھگڑا کر کے, مخالفت کر کے ہم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے, کیوں نہ ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور مل کر اس کے ساتھ مقابلہ کریں. تو انہوں نے اکٹھ کر لیا, کس کے خلاف؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اللہ کے دین, دین اسلام کے خلاف. یہودیوں اور عیسائیوں نے اکٹھ کر لیا اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے اس اکٹھ کو بھی اللہ نے قرآن بنایا. اکٹھ کر کے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا, کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا مگر وہ داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا جو عیسائی ہوگا. یعنی پہلے ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ان کا مذہب ہی کوئی نہیں ہے, اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ جنت بنی ہے صرف یہودیوں کے لیے یا عیسائیوں کے لیے. جنت تو یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم, یہ ان کی امیدیں ہیں, مر کر دیکھیں ذرا پتہ چل جائے گا جنت کس کے لیے. مختصراً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا, اور اللہ کے دین, دین اسلام کو لوگوں کے سامنے وقفے وقفے سے جس طرح اللہ کی طرف سے وحی آتی بیان کرنا شروع کر دیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا لوگوں ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہے. اب آقا کی آنے کے بعد یہودیت اور عیسائیت پر عمل نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے دین, دین اسلام پر چل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت, آپ کی رسالت کو مان کر زندگی گزارنی پڑے گی, کیونکہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچایا, تھوڑا تھوڑا کر کے جس طرح اللہ کی طرف سے وحی آتی آپ لوگوں پر بیان کر دیتے, یہاں تک کہ اللہ کا دین لوگوں کو سارے کا سارا بیان کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر اللہ کا دین سارا جب بیان کر دیا تو 124,250 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں, اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ لوگوں وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, یہودیوں اور عیسائیوں نے مخالفت کی تھی, اکٹھ کیا تھا, وہ دین اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج مکمل کر دیا ہے. اب
رضیتو ورضیتو لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ اور اس سے اگلی بات بھی بیان کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب دین کے پسندیدہ ہونے کے بعد، دین کے اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہونے کے بعد، اب کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ بندہ خسارہ پائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 125,000 صحابہ کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ کیا میں نے اللہ کا دین آپ لوگوں پر پہنچا دیا ہے؟ اللہ اکبر، اب صحابہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول پہنچایا کیا، آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے نبی اللہ کا دین پہنچاتے، طائف کے لوگ آپ کو پتھر مار مار کر لو لوہان کر دیتے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، لوگوں تک بیان کرنے کے لیے نکلتے، مکے کے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے ایک چوک میں گرا کر اوپر اونٹ کی اوجری رکھ دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین پہنچانے کے لیے نکلتے، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، نبی کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی، نبی کے یاروں کو پتھروں کے ساتھ جو ہے نا وہ رسیوں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا گیا، لو لوہان کیا گیا، نبی کے یاروں کو، وفاداروں کو، آپ کے ماننے والوں کو انہیں سولی پر لٹکایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواتین عورتیں تھیں، آپ کی صحابیات تھیں، ان کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سیخ سرمچو کی طرح پھیر دیں، کئیوں کو دو لخت کر دیا۔ یہ سارے منظر صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اللہ کے رسول کی ساری زندگی سامنے آ گئی، اللہ کے رسول آپ نے تو دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک ڈیوٹی لگاتے ہیں، میرے صحابہ جو حاضر ہیں وہ سن لیں، جو یہاں پر موجود نہیں، میری اس بات کو پہنچانا تمہارا کام ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میرے صحابہ جو موجود ہیں وہ تو سن لیں، انہوں نے سن لیا، لیکن جو موجود نہیں ان تک میری اس بات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا تمہارا کام ہے۔ میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مردم شماری کی گئی، تو مردم شماری میں 125,000 صحابہ کی مردم شماری تھی۔ آپ کی زندگی میں جب صحابہ کی مردم شماری ہوئی، یعنی آپ اس موقع کو لے لیں حجۃ الوداع کے موقع کو، کہ آپ کی موجودگی میں 125,000 صحابہ کی مردم شماری کی گئی، اور 125,000 صحابہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سنتے ہیں کہ میرے صحابیوں، میرے اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تمہارا کام ہے، پھر صحابہ گھروں میں نہیں بیٹھے، صحابہ گھروں میں نہیں بیٹھے، وہ اپنے گھروں سے نکل گئے، کہاں گئے؟ جزیرہ عرب، پورا جزیرہ عرب، صرف سعودی عرب نہیں، مکہ اور مدینہ نہیں، پورا جزیرہ عرب۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو چند سو صحابہ کے علاوہ پورے جزیرہ عرب میں صحابہ کی قبر نہیں ملتی، چند سو صحابہ کی قبریں ملتی ہیں پورے جزیرہ عرب میں، اس کے علاوہ صحابہ کی قبریں نہیں ملتی۔ اللہ، وہ صحابی جو 125,000 تھے آپ کا خطاب سننے والے، وہ صحابی کدھر گئے؟ سارے 125,000، چند سو صحابی کی قبر جو ہے وہ جزیرہ عرب میں ہے، باقی صحابی کدھر گئے؟ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، پوری دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن کر صحابی اپنے گھروں سے نکلے، یہاں تک کہ پاکستان کے آپ کے لیا بکھر کے علاقے میں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سفر کر کے
आप इंडिया को देखें तो सहाबा की कब्रें इंडिया में भी मिलती हैं, अमेरिका में मिलती हैं, फ्रांस रूस में मिलती हैं, पूरी दुनिया में सहाबा सफ़र करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पहुंचाने के लिए हर जगह जगह पर पहुंचे। ये बात मेरा करने का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की कि आज हम मुसलमान हैं और आज हमारे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा हुआ दीन मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात ज़हन नशीन कर लें कि कोई अमल जो रात की तरीकी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, आका का कोई अमल जो रात की तारीकी में भी हुआ तो अल्लाह ने उस रात के तरीकी में किए हुए अमल को भी हम तक पहुंचा दिया। कैसे? अम्मा जी आयशा सिद्दीका, ताहिरा मुताहिरा, उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक रात मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में सोई हुई थी कि अचानक मुझे आँख खुली, तो आँख खुलते ही मेरे जहन में आया कि अल्लाह के रसूल शायद बिस्तर पर नहीं हैं, रसूलुल्लाह सल्लम अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं है। मुझे शक गुजरा कि अल्लाह के रसूल बिस्तर पर मौजूद नहीं है, अंधेरे की वजह से अब नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था। तो अम्मा जी फरमाती हैं फिर मैंने आपके पड़े हुए बिस्तरे को अंधेरे में टटोलने की कोशिश की कि आप हैं या कोई नहीं। अम्मा जी फरमाती हैं कि जब मैंने बिस्तर पर टटोला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बिस्तर पर नज़र ना आए, तो यहाँ तक कि मैं टटोलते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पर मेरे हाथ लगे कि आप सजदे की हालत में थे। और अम्मा जी आयशा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे तो आपके पाँव इस रुख से सजदे की हालत में थे। यानी उम्मत को बतलाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में, अम्मा जी आयशा फरमाती हैं कि आप सजदे की हालत में थे और उनके पांव इस शेप में थे सजदे की हालत में। हमें सजदे की हालत भी रात की तरीकी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रात की तरीकी का अमल था वो अल्लाह ने हम तक पहुंचा दिया। और मेरे भाइयों वो अमल जो दिन के उजाले में हुआ, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मौजूदगी में हुआ, क्या वो अमल हम तक ना पहुंचता अगर नबी ने किया होता? तो यकीनन पहुंच जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिस तरह अपने बाकी नबियों को आसमानों पर, अपने बाकी नबियों को मौजज़ात से नवाजा, इसी तरह अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अजीम किस्म के मौजज़ात से नवाजा। यानी अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ात दिए। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने हर नबी को वाज़े मौजज़ात देकर दुनिया में मबूस फरमाया। अब देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, वो अल्लाह के नबी थे। अब मौजज़ा क्यों दिया जाता है कि लोग अहले कुफार उस मौजज़े को देखकर अल्लाह के नबी के साथ ईमान ले आए। और मौजज़े में जिस्म अल्लाह के नबी का इस्तेमाल होता है, कुदरत अर्श वाले खुदा की इस्तेमाल होती है, कुदरत अल्लाह की, यह है नबी का मौजज़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजज़ात का इनकार नहीं करते, अल्लाह के नबी के मौजज़ात को मानते हैं, वलियों की करामतों को मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी को मौजज़ा दिया गया, उन सारे मौजज़ात में से एक मौजज़ा है मौजज़ाए मेराज। उन सारे मौजज़ात में से एक मौजज़ा मेराज है। जिस तरह अल्लाह ने नबी मूसा को मौजज़ा दिया, वो असाए मूसा जो कहलवाते हैं, हाथ में असा है। अल्लाह फरमाते हैं इज़रिब बेअसा कल हजर, ए मूसा अपने पत्थर को, अपने असा को पत्थर पर दे मार। नबी मूसा अपने असा को पत्थर पर मारते हैं, नीचे से 12 चश्मे जारी हो जाते हैं, यह मौजज़ा था। उसी असा को फरमाया नबी मूसा इज़रिब बेअसा कल बाहर, जब नबी मूसा अपनी कौम को लेकर फिरौनियों से भागकर जा रहे थे तो आगे पानी दरिया आ गया। पानी दरिया के कंडे पे खड़े होकर कहते हैं या अल्लाह अगर पानी में कूद जाता हूँ, छलांग लगा देता हूँ, तो या अल्लाह फिर भी मौत है, मैं और मेरी
कौम पानी में डूब कर मर जाएगी। अगर यहाँ पे रुकता हूँ तो पीछे क्या देखते हैं कि फिरौनी फौजी हैं, या अल्लाह पीछे फौजी हैं फिर भी मौत है, करूँ क्या? अल्लाह फरमाते हैं ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है? फरमाया मेरा डंडा। फरमाया इज़रिब बियासाकल बहर, मूसा अपने डंडे को ना दरिया में ज़रा मार, डंडा दरिया में मारो। नबी मूसा ने डंडा दरिया में मारा, डंडा दरिया में मारने की देर थी कि पानी इधर का इधर और उधर उधर रुक गया, पानी रुक गया। अब दरमियान में मोटरवे जा रही है, अल्लाह के नबी मूसा को फरमाया कि इस रास्ते से आप अपनी कौम को लेकर दरिया को अबूर कर दें। नबी मूसा दरिया पार करते हैं, जब नबी मूसा दरिया के सेंटर में पहुंचे फिरौनी फौजें भी उसी रास्ते पे अंदर आ गईं, नबी मूसा पार चढ़ गए, फिरौनी फौजें दरमियान में आ गईं। अल्लाहु अकबर, पीछे देखा या अल्लाह फौजें तो पीछे है। फरमाया देखो होता क्या है, जब वो पार हो गए फरमाया दरिया को हुक्म दिया कि चल पड़, वो सेंटर में थी, अल्लाह ने चलने का हुक्म दे दिया। अब वो दरमियान 20 समुंदर के फिरौनी गोते खाना शुरू हो गए। वो अल्लाह ने अपने नबी मूसा को मौजजा दिया था, इसी तरह अल्लाह ने अपने हर नबी को मौजजा दिया। जिस तरह बाकी नबियों को मौजजात से नवाजा, अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़े अजीबो गरीब और नराले किस्म के मौजजात से नवाजा। उन मौजजात में से एक मौजजा है मौजजाए मेराज। मौजजाए मेराज क्या है? मेराज उरूज से है, उरूज मैंने बुलंदी, यानी इस मौजजे में नबी अलैहिस्सलाम को जमीन से बुलंदी की तरफ ले जाया गया था, इसलिए इसे मेराज कहते हैं। और अरबी जुबान में मेराज सीढ़ी को भी कहा जाता है। सीढ़ी को मेराज क्यों कहते हैं? कि सीढ़ी के जरिए इंसान बुलंदी की तरफ चढ़ता है, तो इसलिए अरबी में सीढ़ी को मेराज कहते हैं। मुख्तसरन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये अजीबो गरीब मौजज़ा कि 2.5-3 मन का इंसान जिंदा सलामत आसमानों पर जा सकता है, फिर रात के कुछ हिस्से में, और फिर जिंदा सलामत वापस आ सकता है। अकल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मौजज़े को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा जिसका ताल्लुक ज़मीन के साथ है, उसे इसरा कहते हैं, उसका ताल्लुक जमीन के साथ है, वो बैतुल्ला से बैतुल मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक उसका ताल्लुक है, वो जमीन का सफर है, उसे इसरा कहते हैं। इसरा मैंने सैर कराना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सफर का दूसरा जो है पहलू, दूसरा वो आस वो मेराज कहलवाता है, जिसका ताल्लुक बैतुल मकदस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज रात की तारीकी में जागते हुए करवाया गया, और जागते हुए ही आपको वापस ले जाया गया, आपको मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचाया गया। फिर मस्जिद अक्सा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जो इमाम थे, नबी थे, अल्लाह के सारे नबियों को वहाँ पर जमा किया, अल्लाह के रसूल ने वहाँ पर इमामत करवाई। फिर वहाँ से आसमानों पर गए, जन्नत देखी, जहन्नम देखी, वापस आ गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो लोग अभी सो ही रहे थे, अल्लाह के रसूल वापस आ गए। ये रसूलुल्लाह का मेराज था कि आप बैतुल्लाह में थे कि जिब्रील आ गए, और आकर जिब्रील ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया, और आका अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको मुलाकात आसमानों पर बुला रहे हैं सैर के लिए। रसूलुल्लाह के सामने एक सवारी लाई गई जिसे बुराक कहते हैं। बुराक अरबी ज़ुबान में बिजली को कहा जाता है, बुराक बर्क से है जिसका माना है बिजली। वो बिजली की तरह की सवारी के हद निगाह तक उसका कदम जाता था, वो इतनी तेज़ थी। और वो सवारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाई गई। आका अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि वो सवारी जब मेरे सामने लाई गई तो फशाखिसत, फशाखिसत, जब जिब्रील ने उसे बतलाया कि आज आप पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होना है, तो वो सवारी बितकने लगी शोखी में आकर। फशाखिसत, वो सवारी बितकने लगी। जिब्रील ने सवारी को बितकते हुए देखा तो जिब्रील मुखातिब हुए बुराक की तरफ, तो जिब्रील ने सवारी को मुखातिब करके कहा सिर तो मशरकम व मगरिबा, ए सवारी बुराक, मैं मशरक और मगरब को घूम कर देख चुका हूँ, वल्लाही मार राकी वा
अलैके मिसले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ बुराक अल्लाह की कसम मैं मशरक और मगरब को घूमकर देख चुका हूँ, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि मैं आज दिन तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आप पर सवार हुआ। आप इतनी अजमत वाले, आप इतनी शान और मकाम वाले कि इससे पहले आप पर इतनी अजमत वाला कोई भी सवार नहीं हुआ। वल्लाही मा राकिबा अलैके मिसले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ बुराक तुझ पर आज दिन तक मोहम्मद जैसा कभी सवार नहीं हुआ। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब बुराक ने ये बात सुनी ना जिब्रील की, फारिकत माना पसीने पसीने हो गई इस बात को सुना कि अच्छा इतने अजीम इंसान आज मुझ पर सवार होंगे। फारिकत वो पसीने पसीने हो गई। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मुझे सवारी पर सवार किया गया और उसका हद्दे निगाह तक कदम उठाना यहाँ तक कि वो यूं मुझे बैतुल्ला से बैतुल मकदस ले गई। बैतुल मकदस में मेरे पहुँचने से पहले मैंने देखा कि वहाँ पर और सवारियाँ भी बंधी हुई थी बाहर मस्जिद के। रात की तारीकी में मस्जिद खुली थी और मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो मस्जिद भी खचाखच भरी थी। या अल्लाह ये रात की तारीकी में मस्जिद किन लोगों से भरी पड़ी है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि फिर मस्जिद में जब मैंने मस्जिद को खचाखच भरा हुआ देखा तो फिर क्या, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिब्रील मेरा तारुफ करवाते हैं उनसे जो वहां पर मौजूद थे और उनका तारुफ मुझसे करवाते हैं हजरत बाबा जी आदम से कि अल्लाह के नबी ये आदम अलैहि सलातो वसलाम इंसानियत के बाप लगते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हजरत नूह है, ये हजरत हूद है, ये याया है, ये साले है, ये इदरीस है, ये यूसुफ है, ये यूनुस है, ये जनाब हजरत मूसा है, ये हजरत ईसा है, ये कलीमुल्लाह है, ये ज़बीहुल्लाह है, ये रूहुल्लाह है, और उन सब को मेरा तारफ करवाते हैं कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं कि सब तारफ मुकम्मल हो गया, हर एक से मेरा तारफ करवा दिया गया, उनको मेरे साथ और मेरा उनके साथ। तो फिर यहाँ तक के अजान दी गई, अजान हुई, अभी नमाज तो फर्ज ही नहीं थी ना, लेकिन आका बाद में फरमाते हैं कि ये सदा अजान की मैंने उस रात बैतुल मकदस में सुनी थी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अजान दी गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आवाज आती है सादा का अब्दी, मेरा बंदा सच कहता है ला माबूदा बे हक न गैरी, मेरे अलावा कोई भी माबूद पर हक नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आवाज अजान दे दी गई, अजान देने के बाद सफ़े बांध दी गई। अल्लाह नमाज कौन करवाएगा, कौनैन के ताजदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं सफ़े बांध दी गई, सारे सफ़ों में खड़े हैं, नमाज किसने करवानी है, नमाज कौन करवाएगा। आका फरमाते हैं इतनी देर गुजरी, इतनी देर गुजरी कि जिब्रील ने मुझे पकड़ा, मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। वो लोग आम लोग नहीं थे, वो अल्लाह के सारे नबी थे, बाबा जी आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक। वहां पर कादियानी कोई नहीं था, कादियानी नबी नहीं था, वहां पर अल्लाह के सारे नबी थे। ये भी नबी होता तो वहां पर मौजूद होता। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि सफ़ें बांध दी गई, जिब्रील ने मुझे पकड़ा, सफ़ों से मुसल्ले पर खड़ा कर दिया, और मुसल्ले पर सिर्फ खड़ा करके ये नहीं कहा कि आप नमाज कराएं, पहले वाज किया जिब्रील ने नबियों को। उस मंदिर को जरा अपनी आंखों के सामने लाएं कि जिब्रील मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 लाख कमों पर 44 या 24 हज़ार अम्बिया में से, सारे नबियों में से अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल कर मुसल्ले पर खड़ा करते हैं, और मुसल्ले पर खड़े होकर साथ उन लोगों की तरफ जो अल्लाह के नबी थे उनकी तरफ मुंह करके जिब्रील एक वाद करते हैं। जिब्रील का वाद अल्लाह के नबियों के लिए, और वो वाद क्या था, जिब्रील वाद करते हैं सिर तो मशरिकम व मगरिबा, सिर तो मशरिकम व मगरिबा, वल्लाही लम अरा रजुलन
افضل من محمد ولم ارى بيتا افضل من بيت بني هاشم. جبریل کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبیوں بابا جی آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جبریل نے بات کرتے ہوئے فرمایا میں مشرق اور مغرب کو گھوم کر دیکھ چکا ہوں، مشرق کو مغرب تک، شمال کو جنوب تک، زمین سے آسمانوں تک، آسمان سے زمین تک، میں مشرق اور مغرب کو گھوم کر دیکھ چکا ہوں، واللہ لم ارى رجلا افضل من محمد ولم ارى بيتا افضل من بيت بنی ہاشم. جبریل کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اللہ کی پوری زمین میں محمد جیسا انسان کوئی نہیں دیکھا، بنو ہاشم جیسا کوئی گھرانہ کوئی نہیں دیکھا. جبریل نے بات کر کے سب کو بتلا دیا کہ میں نے محمد الرسول اللہ جیسا انسان کوئی نہیں اللہ کی زمین پہ دیکھا، بنو ہاشم جیسا کوئی گھرانہ کوئی نہیں دیکھا. اور پھر ان کی موجودگی میں جب اتنی عظمتوں والا انسان جس محفل میں، جس جلسے میں، جس جماعت میں موجود ہو، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امامت کروائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ یہ موقع اس لیے لا رہے تھے کہ اللہ نے تو وہ وعدہ پورا کروانا تھا، جو وعدہ اللہ نے عالم اروا کے اندر، ابھی کوئی نبی پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ نے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے ایک وعدہ لیا تھا کہ میرے پیغمبروں تمہاری نبوتوں کے سکے چلتے ہوں گے، ایک وقت آئے گا کہ میرا آنے والا آخری نبی آئے گا، اس نبی کی تم نے پیروی کرنی ہوگی، اس کے پیچھے چلنا ہوگا. اللہ کے نبی بابا جی آدم کا زمانہ کون سا، محمد الرسول اللہ کا زمانہ کون سا، حضرت نوح کس زمانے میں آئے، حضرت محمد الرسول اللہ کس زمانے میں آئے، حضرت ادریس کا زمانہ کون سا، محمد الرسول اللہ کا دور کون سا، حضرت یوسف کا زمانہ کون تھا، حضرت محمد الرسول اللہ کا دور کون سا. لیکن اللہ جب کروانے پہ آئے تو اللہ ایسے کروا دیتا ہے. اللہ نے کروانا تھا سارے نبیوں کو محمد الرسول اللہ کی اقتداء میں دور رکھتے پڑوانی تھی، اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بیت اللہ سے اٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، وعدہ پورا کروایا، سارے نبیوں کو محمد الرسول اللہ کے پیچھے جمع کر کے محمد الرسول اللہ کو امام الانبیاء بنا کے پھر اللہ نے آسمانوں پر بلایا. اب دیکھو قدرت کی بات، اللہ جب کچھ کام کرنے کو آ جائے تو اللہ کے لیے مشکل کوئی نہیں. پہلے ہر نبی کو اس کے مقام سے لا کر بیت المقدس میں جمع کیا، ہر نبی کو اس کے مقام سے لایا، کوئی پہلے آسمان پہ تھا، کوئی دوسرے پر تھا، کوئی تیسرے پر تھا، کوئی چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پر تھا، ہر نبی کو اس کے مقام سے اٹھایا محمد الرسول اللہ کے استقبال کے لیے، دو رکتے پڑھوانے کے لیے بیت المقدس میں بلایا، پھر اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا. تو اس سے پہلے ہر نبی کو ان کے مقام پر بھی پہنچا دیا. اب وہ اپنے اپنے مقام پر رسول اللہ کا استقبال کرتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ امامت کا سلسلہ ختم ہوا، ہم ادھر سے فارغ ہو گئے، ثم ارج بی الی السماء الدنیا، ثم ارج بی الی السماء الدنیا، پھر مجھے آسمان دنیا پر لے جایا گیا، وہاں پر میری نبی سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں تک، یہاں تک کہ عند سدرۃ المنتہا تک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر مجھے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا، وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے، اس بیری کے درخت کے گرد وہ نور کے پروانے منڈلا رہے ہیں. وہ بیری کے درخت کی خوبصورتی کیا تھی؟ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا خوبصورت منظر تھا، اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں نے اس جیسا منظر کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہی کوئی نہیں. فراش من ذہب، سونے کے چھوٹے چھوٹے پروانے اس بیری کے درخت منڈلا رہے تھے. اور وہ بیری کا درخت کیا تھا کہ وہ سامارا کا سامارا تل کلال، اس بیری کے درخت کے پتے پھل جو تھے وہ ایسے تھے جیسے بنو کلال کے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں، اور اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کانوں جیسے تھے.
पत्ते हाथी के कानों जैसे, उसका फल बेर जो थे वो बनु कलाल के मटके मशहूर थे अरब में, उन मटकों जैसे थे। अल्लाह के रसूल फरमाते इतना खूबसूरत मैंने मंजर कभी इससे पहले नहीं देखा। फिर अल्लाह से हम कलाम हुए। यहाँ पर ना हमारे भाई, मैं इसलिए कहता हूँ कि दीन वो है जो अल्लाह ने अपने नबी पर उतार कर मुकम्मल कर दिया। अब दीन में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह से हम कलाम हुए, अल्लाह से हम कलाम होने के बाद अब अल्लाह ने मेरे ऊपर और मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज कर दी कि अल्लाह के रसूल आप पर 50 नमाजें फ़र्ज हैं। रसूलुल्लाह उस 50 नमाजों के और भी तोहफे थे, लेकिन वक्त ख़त्म है, मैं मुख्तसरन करता हूँ। वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की सरजमीन पर पहुँचाना है 5 मिनट में। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर और मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज की, और 50 नमाजें फ़र्ज करने के बाद अब इजाज़त हो गई, अब वापस आ रहे हैं। मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं कि रसूलुल्लाह आसमानों पर गए सिदरतुल मुंतहा तक, फिर सिदरतुल मुंतहा के बाद आगे क्या हुआ? अल्लाह से एक खसूसी मजलस हुई, फिर उस मजलस में रसूलुल्लाह फरमाते हैं रसूलुल्लाह के साथ अल्लाह ने जफ़ी लगाई, कोटके मिले, जफ़ी लगा के गले मिले। अम्मा जी आयशा क्या फरमाती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बात गलत हो सकती है, आपकी बात गलत हो सकती है, किसी वक़्त के मौलवी मुफस्सर किसी की बात गलत हो सकती है, मुफ्ती गलत कह सकता है, 1400 साल के बाद कोई पढ़ाने वाला गलत कह सकता है, लेकिन बात गलत नहीं हो सकती अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, क्योंकि वो बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की आवाज़ है, अल्लाह के रसूल के घर की आवाज़ गलत नहीं हो सकती। अगर गलत होती तो जिब्रील आकर टोक देता। अम्मा जी आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहे कि आप अल्लाह से, अल्लाह को आपने देखा है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतरी हुई शरीयत का इनकार करता है। नहीं देखा नबी को अल्लाह ने, अल्लाह ने देखा, नबी ने अल्लाह को नहीं देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार नहीं किया, ना जफ़ी लगाई, ना दीदार किया। हम कलाम हुए, हम कलाम में अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजें दी, 50 नमाजें दी, वापस आए, हज़रत इब्राहिम से मुलाकात हो गई, वो टेक लगाए बैतुल मामूर के साथ बैठे हुए थे। वह हाँ जी क्या लेकर आए हैं, क्या तोहफ़ा मिला जी? मेरी उम्मत पे अल्लाह ने 50 नमाजें फ़र्ज की है। फरमाया जाओ वापस, मेरा इस कौम से वास्ता पड़ा है, इन्होंने 50 कोई नहीं पढ़नी, को कमी करवा के आओ। नबी फिर गए, 10 कम हो गई, फिर गए 10 कम हो गई, फिर हज़रत इब्राहिम ने भेजा 10 कम हो गई, यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर गए 10 कम हो गई, फिर गए 10 कम हो गई, यहाँ तक के 5 रह गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। 5 के बाद भी कहते हैं एक चक्कर और लगा ले। फरमाया तन्ने आप, अब मुझे वापस जाते हुए शर्म आता है, अब मैं पढ़कर दिखलाऊंगा। आवाज़ आई, पढ़ने वाले 5 ही पढ़ेंगे लेकिन अजर सवाब 50 का दूंगा। ला तब्दील अले कलिमात इल्ला, जो अल्लाह के कलिमात हैं वो तब्दील नहीं होते। 50 फर्ज की थी, पढ़ेंगे 5 लेकिन अजर सवाब नामे अमाल में 50 का लिखा जाएगा। रसूलुल्लाह वापस आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मेराज हर साल सुनते हो, मेराज की महफ़िलें मनाते हो, मेराज के जलसे करवाते हो, मेराज पर खुतबात सुनते हो, कभी इतना भी देखा आप लोगों ने कि मेराज में जो सबक मिला था वो सबक ही हम याद कर लें? उस सबक को याद करें जो मेराज की रात को मिला था। अगर वो सबक याद हो जाए तो ये मस्जिदें बर्बाद ना हो, अल्लाह की कसम, वो मस्जिदें आबाद हो जाए अगर वो सबक याद हो जाए। झंडियाँ लगा लें, लाइटिंग कर लें, मकानों को सजा लें। मेरे भाइयों, आप अपने घरों को लाइटिंग कर लें, गलियों को लाइटिंग कर लें, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते तो उस मेराज के मनाने का ज़रा बराबर भी फ़ायदा कोई नहीं, और मच्छर के पर के बराबर भी वो हैसियत नहीं रखती। अपने आप को नमाजी बना लें, वो सबक है मेराज का। रसूलुल्लाह वापस आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वापस आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर। सुबह हो गई, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि सुबह हुई तो आपने फिर लोगों को इनफरादी तौर पर बतलाया, आज रात मैं ना बैतुल मक़दस गया था। वो लोग तो आप आ गई आपका ना प्रोपोगंडा कर रहे थे कि नऊज बिल्लाह के नबी का दिमाग ख़राब है, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो समझ में आने वाली नहीं।
एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, मिनटों में नहीं ये बात पूरे मक्के में फैल गई। और देखो ना मोहम्मद ऐसी बातें करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं रात के कुछ हिस्से में बैतुल मकदस गया था, वो एक दूसरे को कहते हैं हाँ अरे पाप कितने दिन का सफर है, कहा जी 40 तिहाड़ का। 40 तिहाड़ियां रातियां का सफर, एक बंदा कहे मैं रात के कुछ हिस्से, कहा गल मनन वाली है, कहते नहीं यार। लो जी एक पॉइंट मिल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने के लिए। कहा ऐसा करते हैं उसे एक जगह पर इकट्ठा करो जहां पूरे अरब वाले पूरे मक्के वाले जमा हो जाएं, एक पॉइंट पर उसे बुलाओ और बुलाकर फिर उससे बात करते हैं ताकि पूरे अरब के सामने इसे नंगा किया जाए। अल्लाह माफ, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बदनाम किया जाए कि देखो ना ये कैसी बातें करता है। वो एक ने दूसरे को, दूसरे यहाँ तक के एक जुलूस की शक्ल बन गई और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर दरवाज़ा खड़काया जाकर अबू बकर सिद्दीक का, और लो अबू बकर बाहर निकलो। बताओ जो बंदा ये बात कहे कि मैं रात को बैतुल मक़द्दस से होके आया हूँ को बात मानने वाली है? अबू बकर फरमाते हैं बात तो मानने वाली नहीं, लेकिन मुझे बताओ ये कहता कौन है। सिद्दीक सिद्दीक वैसे ही नहीं बन गए। सिद्दीक कहने लगे बात मानने वाली नहीं कि 40 दिन का सफर रात के 1-2-3 घंटे में करके आ जाए, बात नहीं मानने वाली, लेकिन मुझे बताओ ये बात कहता कौन है। लोगों ने कहा बात समेत माकाल साहिबु का या अबा बकर, और अबू बकर तुझे नहीं पता ये बातें करने वाला तेरा मोहम्मद ही तो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर कहते हैं तुमने मेरे मोहम्मद को ये बात कहते हुए सुना है कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते हैं? कहाँ, आओ ना आकर जाकर पूछो। अबू बकर कहते हैं अगर तुमने सुना है तो मुझे पूछने की ज़रूरत कोई नहीं, सदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मेरे मोहम्मद ने कहा है तो मोहम्मद सच कहते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। अबू बकर सिद्दीक तो इस बात को मानता है कि अल्लाह आसमान से जिब्रील को आँख झपकने से पहले ज़मीन पर, आँख झपकने से पहले आसमानों पर बुलाता है, जिब्रील आँख झपकने से पहले मशरक में, आँख झपकने से पहले मगरब में, आँख झपकने से पहले शमाल और जुनूब में, आँख झपकने से पहले ज़मीन व आसमान का चक्कर जिब्रील लगा लेता है। जो अल्लाह जिब्रील को आँख झपकने से पहले जमीन और आसमान का चक्कर लगवा लेता है वो अपने नबी को पूरी रात में आसमानों पर नहीं बुला सकता। अल्लाह अकबर, सदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सच कहते हैं, झूठ नहीं बोलते, मुझे पूछने की जरूरत कोई नहीं। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल को एक जगह पर ना बुलाते हैं और वहां पर पूरे मक्के के लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे। रसूलुल्लाह को बुलाया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सारा अरब ना लोग इकट्ठे हो गए और पूछने वाले मुझसे बैतुल मक़द्दस के बारे में पूछना शुरू हो गए। हाँ जी, उसके रोशनदान कितने थे, उसकी खिड़कियां कितनी थी, उसका फला हिस्सा कैसा था, उसका फला हिस्सा कहता था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब उन्होंने मुझसे ये सवाल शुरू किए ना, मैं थोड़े ही वहाँ पे खिड़कियाँ गिनने के लिए गया था या मेरे जहन में थोड़े ही था कि मुझसे ये सवाल होने हैं। आका फरमाते हैं इन्नी करीब तू कर बतन ना करीब तू कत, कि इतनी मुझे तकलीफ पहुँची कि इससे पहले कभी मुझे इतनी तकलीफ नहीं पहुंची थी कि यार दुनिया बैठी आप मुझसे सवाल करेंगे तो मैं थोड़े ही वो चीज़ें देखकर वहां पर नोट करके आया हूं कि मैंने बतलानी है। इन्नी करीब तुकर बतन ना करीब तुकत, इतनी तकलीफ मुझे यहां पर पहुंची है इतनी मुझे कभी भी नहीं पहुंची थी। आका फरमाते हैं मैं परेशानी में था कि अब क्या होगा, वो सवाल करने वाला सवाल करेगा तो मैं उसको जवाब नहीं दे सकूंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन इतनी देर थी कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने पूरा बैतुल मक़द्दस लाकर मेरी आंखों के सामने कर दिया। अब लोग सवाल करते हैं, रसूलुल्लाह देखकर बतलाते हैं, इसने सवाल किया तो आपने बतलाया, इसने सवाल किया तो आपने बतलाया, यहाँ तक के सारों के सवालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया। और काफिर लोग फिर जो है ना वो शर्मिंदा हुए। एक बात और उन्होंने की थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं जब बैतुल मक़द्दस जा रहा था तुम्हारा फलां काफिला फलां जगह पर पहुंचा हुआ था और उन्होंने वहां पर मैंने उन्हें यहां देखा था
वो मेरे अंदाजे के मुताबिक इतनी टाइम में यहां पर पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो उस काफले का भी इंतजार कर लेते हैं कि क्या होता है। जब वो डेट जो रसूलुल्लाह ने बतलाई थी ना, उस डेट को लोग अपने घरों से निकलकर मक्के की सरहदों पर पहुंच गए कि आज देखते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बताई हुई बात थी। अल्लाह अकबर, सारा जहान गलत हो सकता है, मोहम्मद की जुबान गलत नहीं हो सकती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग मक्के की सरहदों पर पहुंचे, देख रहे हैं, उस काफले का इंतजार कर रहे हैं, और जो डेट रसूलुल्लाह ने बतलाई थी उसी डेट को वो काफला मक्के की सरहदों से अंदर दाखिल हो रहा था। ये है मेराज। लेकिन मेराज को मानना है, मेराज को मनाना नहीं। मेराज को मानना है, ये अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा है। इस मौजज़े को मानना है कि अल्लाह ने अपने नबी को दिया, लेकिन इसे ईद की तरह मनाना नहीं कि झंडियाँ लगाकर फलां काम करके फलां देगे लगाकर ये करके। और फिर हमारे इलाकों में रात को नवाफिल का ऐलान होता है कि आज मेराज की रात है, रात को नवाफिल पढ़े जाएंगे। बिल्कुल कोई नवाफिल मेराज की रात के नहीं है। सुबह रोज़े का ऐलान होता है कि रोज़ा रखा जाएगा, मेराज का कोई रोज़ा नहीं है। ना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना आपके सहाबा ने रखा, और ना ताबईन तबा ताबईन ने रखा। कोई रोज़ा मेराज का नहीं, रात की कोई ख़ास इबादत मेराज की नहीं। और फिर अगली बात भी सुन लें, ये जो 27 रजब के साथ मेराज को सेट किया जाता है, मेराज की कोई तारीख भी मुतय्यन कोई नहीं। मक्की ज़िंदगी में हुआ, मक्की ज़िंदगी में, लेकिन उसके लिए महीना या डेट तय की जाए 100% गलत है। मेराज वाकया है, अल्लाह के नबी का एक मौजज़ा है, उसे मानते हैं। उस पर जो सबक मिला उस सबक को याद करके उसको सुनाते हैं, करते हैं। लेकिन मेराज के लिए तारीख तय करना, मेराज के रोज़े रखना, मेराज की रात की इबादत करना शरीय एतबार से कहीं पे नहीं। अगर होता तो रात की तरीकी की अमल अल्लाह के नबी के हम तक पहुंच गए तो ये दिन के उजाले में ना पहुंचते। अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।